अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है कि कल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आज फिर नए व्लॉग के साथ आपके साथ रुकी। मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है। मतलब मैंने भी न्यूली इसको ज्वाइन किया और शुरू किया, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इस तरह काम करने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करती थी, कोई मसरूफियत नहीं थी, घर में बोर होती थी। लेकिन एक अब एक मसरूफियत निकल गई है तो अच्छा टाइम पास हो रहा है। बाकी ये है कि आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत 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 टेस्टी बनता है। और एक और चीज़ ये है कि बाकी आज आपका पूरा दिन आप लोगों के साथ है मेरा, तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, जब आ जाएंगे तो फिर देखते हैं कि वो भी क्या प्लान करते हैं। कुछ उन मर्दों के भी आने के बाद औरतों के काम और रूटीन चेंज हो जाती है ना, बढ़ जाते हैं काम हमारे, सेम ऐसे ही होगा। कुछ इतने ड्रामे होते हैं ना शोहरों के ये कर लें वो कर लें। मुझे कह रहे मैं तुम्हें मूवियाँ बता देता हूँ, इन दिनों छुट्टियाँ हैं और जैसा कि बीवी दादा तंग नहीं करे, कोई काम नहीं बोले, तुम ये मूवीज़ देखती रहना। चलें जी अब अभी को उठाते हैं, खाना बनाने की तैयारी करें। अभी ओ अभी उठो, मूवी देख ली। नहीं अभी तो रहती है। कैसी बताओ, देख तो कोई और मूवी क्या दही दूध ला के दो आसान है। नहीं मुझसे प्रॉमिस किया था बनाओगे दम का कीमा। मैं पहली बार नहीं बना रही, मैं पहली बार बना रहा हूँ, खराब हो जाएगा। तो ला के दो कीमा कब से बाहर। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दम का कीमा बनाने जा रही हूँ। उसमें मैं लूंगी क्या, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने बना लिया। ये इसको मैं ऑयल मैंने डाल दिया पहले से, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। दम का कीमा इसे हम कोयले का धुआं देंगे बड़ा ज़बरदस्त सा, और बड़ा टेस्टी ये बनता है। सदा के नान और खमीरी रोटी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। लहसुन अदरक को हम अच्छी तरह भून लेंगे, अगर गोल्डन होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी कीमा। अच्छा, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने पीस दिए हैं, क्योंकि ये कीमा दम का होता है, इसमें कोई चीज़ भी हमें साबुत या खड़ी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। लहसुन अदरक गोल्डन होने लग गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी कीमा। कीमे को हम भूनेंगे थोड़ा इसमें, कीमा अच्छे से भुन रहा है। ये देखें कीमे ने अपना पानी छोड़ जो है पानी छोड़ दिया, अब उसी में वो थोड़ा कुक हो जाएगा और हम थोड़ा सा भून के अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। ये 2 टमाटर हैं जिनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दूँगी।
इसको हम भून लेंगे ऐसे ही। साथ ही हम इसमें दही डाल देंगे, दही जाएगी इसमें, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं जाएगी दही की, आप इसमें दही डालेंगे। सिक्स टू सेवन टेबल स्पून दही डल जाएगी इसमें। इसके साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च जो है वो पीस के रखी हुई है वो डालूंगी, ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि बहुत स्पाइसी दूसरे भी मसाले जाएंगे इसमें। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और डाल सकते हो। अब इसमें जाएंगे ये तमाम मसाले, जिसमें है कुटी मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा। नमक मैं डाल देती हूँ हसबे ज़रूरत। तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत जल्दी बनती है डिश और ये बहुत टेस्टी बनती है। कोई आ जाए, कीमा बड़ा हो, बंदा जल्दी से ही बना ले। सिंपल सी रेसिपी है दम के कीमे की। अब मैं इसको थोड़ा ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, फ्लेम लो कर दूंगी। ये जो मैंने जग में पीसा था ये सारे में थोड़ा पानी डाल दिया था मैंने, ये पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और हम इसको ढक के 5-7 मिनट के लिए कुक होने देंगे ताकि कीमा गल जाए। उसके बाद हम भून के इसको कोयले का धुआं दे देंगे। ये देखें ये अच्छे से कुक हो रहा है, बेहतरीन किस्म का इसमें ऑयल भी ऊपर आने लग गया है। बस थोड़ी सी देर और है, हमारा कीमा जस्ट रेडी है। ये हमारा कीमा कुक हो गया है, अब हम इसमें दे देंगे कोयले का धुआं। कोयला हमारा दहक गया है, अब मैं इसमें कोयले का धुआं देने लगी हूँ। ये हमने इसमें कोयले का धुआं दे दिया, ये अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इस पे धनिया और अदरक आप डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। मुझे धनिया आज नहीं मिला तो मैं धनिया आज नहीं करी, लेकिन इस पे धनिया, हरा धनिया और अदरक लंबी लंबी बारीक काट के आप इस पे गार्निश करके इसको सर्व करें। अब मेरे अभी बताएंगे मेरा कीमा कैसा बना था, तो अभी बताएं मेरा कीमा कैसा बना। बहुत मज़ेदार, पक्का बारबेक्यू है ना, सही से बता रहे हो, ऑनेस्ट रिव्यू है। तो चीज़ जो मैंने आज तुम्हें साथ शेयर करनी थी कि वो ये है कि जो मेरा ड्रेस बना है वो है मेरी अम्मी का सूट। ये देखें, ये मेरी वालदा का सूट है और ये मेरे पास पहन के बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी पहन पहन के। लेकिन ये है कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ, शेयर इसलिए कर रही हूँ कि लोगों के अगर कोई पेरेंट्स मर जाते हैं, कहीं उनको कुछ हो जाता है, तो लोगों के कपड़े जो है ना वो दे देते हैं बाहर, किसी को दे दिए कि जी कोई और पहन ले। हमने अपनी वालदा के, हम 3 बहनें हैं, हमने अपनी वालदा के पहने हुए सारे कपड़े
हम तीनों बहनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, भाई भी लेके गए हैं अपने अपने घरों में निशानी के तौर पे अम्मी का एक सूट। लेकिन वो सब कपड़े हमने अपने पास हम लेकर आए हैं और वो कपड़े हम पहनते हैं अपनी वालदा के, और हमें महसूस होता है कि अम्मी हमारे साथ हैं, अम्मी का लम्स, अम्मी का एहसास होता है, और अम्मी याद भी आती हैं, बहुत याद आती हैं अम्मी। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों से इस चीज़ को शेयर भी करूँ। आई वॉज गेटिंग इमोशनल, हर थोड़ा संभाल लिया खुद को। माँ है ना, माँ तो याद आती है। 2 महीने हुए हैं बेबी को, तो ये कि अच्छा लगा उनका ड्रेस पहन के। मैं उनकी एक चीज़ यूज़ करती हूँ, उनकी उनका कॉस्मेटिक्स मेरे पास है, मैं ले आई थी, उनका पर्स मेरे पास है, जो हैंड क्लच वो लेती थी वो भी मेरे पास है, वो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी पहनती हूँ। तो एक अच्छा एहसास होता है वाले का। अल्लाह ताला जिनके पेरेंट्स वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाया, हमारे वालदे को भी बहुत 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 अच्छी जगह रखी है। सुना ये जी गाइस, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ टाइम, हस्बैंड मेरे अभी तक नहीं आए, इस वक्त बच रहे हैं 3:45 होने वाले हैं, और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। पूरे घर में इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और मैं डरती नहीं हूँ, मैं डर नहीं लगता, लेकिन इस टाइम लगी है मुझे भूख। और मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊँ, एक्चुअली मेरी एक्सटेंशन यहाँ बड़ी है, तो मैंने यहीं बुला के नीचे टोस्टर रख दिया अपना, और मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच अपने लिए, मज़े मज़े के सैंडविच। तो बनाते हैं सैंडविच और खाते हैं मज़े मज़े से, और सैंडविच कैसे बना रही हूँ ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखें, लेट नाइट क्रेविंग होती है ना भूख की, वही हो रही है मुझे भी, ऐसे ही होता है। अच्छा जी, मेरे सैंडविच हो चुके हैं, अब मैं इसको लेके जा रही हूँ टोस्टर में। ये देखें सामने, टाइम देखें, वो लाइट नज़र नहीं आ रहा। अपनी कंपनी भी इंजॉय करनी चाहिए कभी कभी, जैसे इस वक्त मैं कर रही हूँ। बोर नहीं होना चाहिए, होता है बंदा, लेकिन ये इतना नहीं होना चाहिए। अब मैं लगाने लगी हूँ टोस्टर, और सबसे पहले टोस्टर लगाना, कैसे लगाना इसके लिए आपको नीचे झुकना पड़ेगा, आगे पीछे होना पड़ेगा, और मोबाइल को मैं कहाँ रखूँ, एक सेकंड, मोबाइल को रखते हैं हम यहाँ, ताकि ये उठते हैं, और मैं रखती हूँ इसमें सैंडविचेस। मेरे सैंडविच वहाँ बन रहे हैं साइड पे, और मैं इस पर टेरेसिस पे घूमती रहती हूँ, घर में घूमती रहती हूँ। मैंने कहा अपना थोड़ा आपको रात की रूटीन ही बताऊँ कि रात में जाके मैं क्या करती हूँ। हाँ, मैं उधर का अपना जो लाइट है वो बंद कर दूँ, ठंड नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं लगता, अल्लाह शुक्र है, क्यों करना है, अल्लाह की ज़ात से बड़े कोई चीज़ नहीं है। यहाँ की कर दी है हमने लाइट बंद, नाइट बल्ब ऑन है, ठीक है। ये देखिए इस टाइम पूरे घर में अंधेरा है, मेरे रूम में भी नाइट बल्ब ऑन है, और मेरे बन रहे हैं सैंडविचेस, और मैं आप लोगों को भूत की इसमें नज़र तो नज़र नहीं आ रही ना, थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। बाहर आज बाहर सन्नाटे फुल, दुनिया आराम के जी। तो जनाब, मेरी दम के कीमे की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर 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 ट्राई करनी है, बहुत 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 टेस्टी बना है। उसके मैंने सैंडविच भी बना लिए, रात का अच्छा टाइम भी इंजॉय कर लिया। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और यही चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लेकर आऊँ आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ।